Welcome guys to the Guitar Crown channel. I hope you are doing well. And सबसे पहले guys, Merry Christmas and Happy New Year in advance. तो guys ये बहुत special video होने वाली है जो कि मैंने एक New Year और Christmas के theme पे रखी हुई है. तो इसमें basically मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको guitar start करना है सीखना है तो आप कितने minimum budget से भी start कर सकते हैं अपना एक नया guitar purchase करने के लिए. तो ये मेरा गिटार है जिसको आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में गाइस आपको ये गिटार मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा गिटार है. मैंने कम से कम इसको 2 साल यूज़ करा है तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम गिटार है गाइस. अब मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आप कहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं. तो लेट्स गेट राइट इनटू द लेसन. गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि इतनी मिड रेंज में या फिर आप कह सकते हैं लो रेंज में आपको कैसे गिटार मिल रहा है और इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं और एज़ कम्पेयर टू जो इससे और भी सस्ते गिटार मिलते हैं और इस गिटार में क्या डिफरेंसेस है. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो इसकी हमारी बॉडी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और वुड की बनी हुई है. जो इसका टॉप है ये पाइन वुड यूज़ किया गया इसका टॉप बनाने के लिए. पूरा वुड बहुत अच्छा है ये जो पाइन वुड है. और जो इसकी बैक्स है मैं आपको एक बार ही दिखाता हूँ कैसे है. इसमें बहुत ही अच्छा फिनिश आया है गाइस. देखो इसमें टोटली प्रॉपर ग्लूड है इसकी बॉडी. तो जो गाइस इसमें बैक एंड साइड्स हैं इसकी उसमें ट्यूना वुड यूज़ किया गया है. उसको टूना भी बोलते हैं, ट्यूना आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं उसे. और जो इसकी नेक है नेक भी सेम इसी वुड की यूज़ किया गया है. टूना वुड यूज़ किया गया है बैक के लिए भी. और जो इसका फिंगर बोर्ड है और ब्रिज है उसके लिए रोज़ वुड यूज़ किया गया बनाने के लिए. तो बहुत अच्छी बात है. जो हमारे इकोनॉमी रेंज के गिटार होते हैं मिड रेंज के तो उन और जो लो रेंज के गिटार होते हैं अगर उसमें रोज़ वुड फ्रेट बोर्ड हो तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो ईजी प्लेइंग होता है उसमें और मतलब उसका कलर भी नहीं उड़ता. वरना पेंटेड वाले में कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है थोड़े टाइम प्ले करने के बाद. 1 साल का देखिए 2 साल के बाद भी इसकी फ्रेट बोर्ड की क्वालिटी कितनी अच्छी है. मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ. देख सकते हैं इसका फ्रेट बोर्ड अभी भी कोई इशू नहीं है इसके फ्रेट बोर्ड में और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है अभी भी इसका फ्रेट बोर्ड. तो आइए अब मैं और इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ. जो इसकी हेड स्टॉक है और जो ट्यूनिंग कीज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है. मतलब ऐसा नहीं है कि इस रेंज में गिटार है तो बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी मिल रही है आपको. बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है इस रेंज के अंदर ट्यूनिंग कीज़ की. और जो आपकी ओवरऑल बॉडी की बात करूँ तो ओवरऑल बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. एक मैंने देखा था अमेज़ॉन पर गिटार 1500 से 2000 के बीच में था आई गेस. तो प्राइस तो चेंज होते रहते हैं अमेज़ॉन पे. बट द थिंग इज़ कि उसका जो ब्रिज था वो प्लास्टिक का था और ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी प्लास्टिक के ब्रिज वाले गिटार को ले ले. खिलौना नहीं खरीद रहे आप गिटार खरीद रहे हैं. आपको गिटार स्टार्टिंग में बजाओगे आप 1-1.5 साल तो उसको टाइम दोगे ना गिटार को. तो आपको मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बजट ऊपर करके अपना 2 से 2500 के बीच में परचेस कर सकते हैं इस वाले गिटार को. क्योंकि इसमें वुड का यहाँ पे रोज़ वुड मिल रहा है आपको ब्रिज पे भी. उसके बाद इसके अंदर एडवांटेज एक और है कि इसके अंदर ट्रस रॉड भी है. उस वाले गिटार में जो 1500 से 2000 के बीच में आप गिटार ले लेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होगा. एक तो उसकी नेक बैंड होने का डर रहेगा क्योंकि वो क्वालिटी उसकी मैटर करती है. और दूसरी बात उसके अंदर ट्रस रॉड भी नहीं होती जिससे आप उसको एडजस्ट कर सके अगर आपकी नेक बैंड होती है तो. इस वाले गिटार के अंदर नेक बैंड होती है तो आप उसको ट्रस रॉड से एडजस्ट कर सकते हैं. ट्रस रॉड के लिए यहाँ पे ऊपर दिखा रखा है इसमें, इस नट को आप खोलेंगे उसके बाद वहाँ से आप ट्रस रॉड को एडजस्ट कर सकते हैं. तो मेरे को सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो लगा इससे सस्ते गिटार्स के कंपैरिजन में इस वाले गिटार में कि इसके अंदर ट्रस रॉड भी है और इसका जो ब्रिज है वो प्लास्टिक का नहीं होके वुड का है, रोज़ वुड का है. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है इस वाले गिटार में. यही इसकी गिटार की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है इस वाले. और जो इसका नट है, इसके जो नट की बात करें तो हम नट जो है बहुत ज़्यादा डीप है. तो डीप होने की वजह से क्या होता है, जो साउंड होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउंड करता है हमारा गिटार. तो इसका जो नट है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी गिटार लेने से पहले कि इसके जो कॉर्नर्स हैं मतलब कि टॉप और जो बैक साइड और ये साइड्स हैं, बैक है, टॉप है, इन सबको ग्लूड अच्छे से होना चाहिए ये देखना ज़रूरी है. ब्रिज ठीक होना चाहिए इसका, ये सब चीज़ें चेक कर लेना एक बार परचेज करने से पहले. तो इस रेंज में ये वाला गिटार बहुत ही ज़्यादा ऑसम है और मैं एज अ बिगनर किसी को भी रिकमेंड करूँगा कि कोई बिगनर है तो वो इस गिटार को 100% बिना किसी झंझट के ले सकता है. और ये कम से कम आपका चलेगा आराम से 1.5-2 साल. आप कितना यूज़ करना है उसके बाद जब आपका बजट बनेगा तो आप दूसरा मिड रेंज का गिटार खरीदना. जब आप थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे बेसिक्स, बिगनर लेवल से थोड़ा ऊपर आएंगे उसके बाद आप दूसरा गिटार प्रेफर कर सकते हैं. और ये गिटार मैं 100% रिकमेंड करता हूँ अगर किसी को खरीदना है एज अ बिगनर तो वो खरीद सकता है. और बात करते हैं कि अब ये कहाँ कहाँ से मिलेगा. तो इसको मिलने के लिए आप या तो अमेज़ॉन पे ले सकते हैं. अमेज़ॉन पे थोड़ा महंगा मिलेगा, ये 3500 रुपये तक का मैंने देखा था अमेज़ॉन पे मिल रहा है.
3,500-4,000 की रेंज में आ रहा है गिटार। लेकिन अगर आप ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदेंगे तो वहाँ पे आप बारगेन भी कर सकते हैं, और दूसरी बात ऑफलाइन स्टोर पे मैं प्रेफर करूँगा कि आपको सस्ता मिलेगा और आप उसकी क्वालिटी भी देख पाएंगे कि हाँ, एज़ कम्पेयर टू द गिटार जो कि आप 1,600 से 2,000 के बीच में देख रहे हैं, अगर आप 2,500 रुपये तक का गिटार खरीदेंगे वाला, तो आप क्वालिटी कंपेरिजन कर सकते हैं, आपको फील ही अलग आएगी पकड़ने से। अब मैं आपको इसका साउंड चेक करके दिखाता हूँ गाइस कि साउंड कैसा है इसका, तो आइए देखते हैं। स्ट्रमिंग करके दिखाऊंगा मैं, मैंने इसमें स्ट्रमिंग करके दिखाई। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ फिंगर स्टाइल प्ले करके, तो गाइज आपने देखा मैंने इसमें फिंगर स्टाइल प्ले करके दिखाया आपको, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का। और इसके अंदर बेस्ट चीज़ मेरे को क्या लगी, जो कि इसके फ्रेट में जो ये फ्रेट डिवाइडर्स हैं, ये बहुत ही अच्छे से फाइल हो रखे हैं, तो आप अगर अपने हाथ को यहाँ इधर उधर मूव करेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। मैं आपको नोट्स प्ले करके दिखाता हूँ कुछ, आपने देखा किस तरीके से मैं एक गिटार को प्ले कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। एज अ बिगनर आप 100% इस गिटार को बिना किसी घबराहट के खरीद सकते हैं, और इस प्राइस रेंज के अंदर ये बेस्ट गिटार मेरे को लगता है। ये गिब्सन का गिटार है, ये गिब्सन का गिटार नहीं है, गिब्सन के गिटार बहुत महंगे आते हैं, तो ये गिब्सन का गिटार है जो कि आप परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको इसकी थोड़ी सी क्लोज लुक देता हूँ कि ये दिखने में कैसा है, और इसको यहाँ पर मैंशन कर रहा हूँ मैं, ये इसका ब्रिज है, आप इसको देख सकते हैं ब्रिज को, आई गेस आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, ये ब्रिज हो गया, ये इसकी बॉडी की रोटेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये गिब्सन है, आप ब्रांड देख सकते हैं। अब मैं इसकी रोटेशन दिखा रहा हूँ बॉडी की एक बारी, आई गेस आप देख पा रहे हैं। हाँ, इसका आपको कुछ ये दिख रहा है, अभी इसके बारे में बताता हूँ। ये बेल्ट इसके साथ नहीं थी, मैंने एडिशनली खरीदी है, तो ये इसका हेड स्टॉक है ऊपर, ये हेड स्टॉक है ऊपर, आपको दिख रहा होगा कहाँ से ट्रस रॉड को टाइट कर सकते हैं। तो ये इसकी ओवरऑल ये लुक है गिटार की। तो आइए मैं इसकी बात करता हूँ, जो आपने ये पॉइंट देखा, तो ये है आपका पिकअप, ये सेमी एकुस्टिक गिटार है, तो सेमी एकुस्टिक गिटार आप इसको एम्पलीफायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने, तो इसके अंदर ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अंदर आपको इक्वलाइजर नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर आपको पिकअप मिल रहा है, आप नेचुरल क्लीन साउंड उसके आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करके यूज़ करना है इस गिटार को। गाइज आई होप यू एंजॉयड द लेसन, ये आपके लिए हो सकता है कि आपका ड्रीम गिटार हो, आपका एज अ बिगनर आप बहुत पसंद करें इस गिटार को, और एज अ इंटरमीडिएट लेवल भी आप इस गिटार को खरीद सकते हैं, और ये हो सकता है आपका क्रिसमस और या फिर न्यू ईयर के लिए आपके लिए सरप्राइज़ हो, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं गिटार, या फिर आपको खुद सीखना है तो आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं, और न्यू ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्रिसमस से स्टार्ट कर सकते हैं अपना नई लाइफ, नई जर्नी एक गिटार के साथ अपने। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉय द लेसन, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द गिटार क्राउन चैनल, सी यू, गुड बाय गाइस, साइन ऑफ।